दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा चली हुई है, दुपट्टा भी उड़ गया। मुझे दुपट्टा गाड़ी में रख के आना चाहिए। ये देखो, मैं तो आज पानी नहीं देखना, देखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गरिमा पहाड़ी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमी, है ना वैदू, है ना घूमी। तो वैदू भी देख रहा है, घूमी जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग आए हैं यार्डा बीच में, और इससे पहले आए थे जब मेरी शादी हुई थी, यानी कि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो तब आए थे हम लोग घूमने के लिए। और आज हम वैदू को लेके आए हैं यार्डा बीच घूमने के लिए। तो वैदू अभी अपने पापा की गोदी में है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वैदू बिल्कुल अपने पापा की गोद में है, और ये हम आए हैं यार्डा बीच। मतलब हम पानी में नहीं जाएंगे वैदू को लेके, हम बस साइड से देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से मन था आने का, तो हम देखने के लिए आए हैं सिर्फ, और बीच का नज़ारे का मज़ा लेने आए हैं बस वैदू के साथ। देख सकते हैं वैदू क्या हुआ बेटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा चली हुई है, दुपट्टा भी उड़ गया। मुझे दुपट्टा गाड़ी में रख के आना चाहिए। ये देखो, बहुत सर हवा उड़ी पतंग। तो आज था संडे, आज है संडे, तो हम लोग संडे को घूमने आते हैं। मतलब ज़्यादा कभी दूर नहीं जाते, लेकिन आज हम वैदू को लेके यार्डा भी जाएंगे। तो ना काफ़ी थोड़ा दूर है, मतलब यहाँ से जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से एक घंटा है, एक घंटे का रास्ता है। देखो चारों तरफ से पूरा पानी ही पानी। और देखो ऊंची लहरें कैसे आ रही हैं, इतनी ऊंची लहरें आ रही है ना। लेकिन जब हम लोग इससे पहले आए थे ना, तो जो वहाँ पर है ना, वहाँ पर पत्थर है, तो वहाँ पर हम लोग बैठने गए थे, लेकिन इस बार नहीं जाएंगे वहाँ पर बैठने, क्योंकि वैदू है, तो वैदू की वजह से हम पानी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा दूर बैठेंगे। और ये देख सकते हैं रेत, बहुत धूल आ रही है पता है, और हवा इतनी तेज चल रही है ना, क्या बताऊँ मैं। पिछले बार हम लोग वहाँ पर बैठे थे, याद है आपको, वो जो वाला पत्थर है हम वहाँ पर बैठे थे, इस बार नहीं बैठे हैं। मिट्टी तो मिट्टी क्या हुआ मिट्टू, आपको नहीं देखना पानी, देखी करनी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ भी बीच में, और लोग कितने दूर दूर से घूमने आए होंगे, है ना, विदेशों से भी आते होंगे घूमने। वाओ पानी का नस देखो कितना अच्छा है ना। वैदू वहाँ देखो, वैदू देखो पानी, वैदू को समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है वहाँ। वैदू आज पानी नहीं देखना, देखना है, देखी करनी है, पानी देखना नहीं देखना। वैदू पानी देखोगे, नहीं देखना, नहीं देखना, देखी करेंगे, चलो। वो मछली पकड़ रहे हैं शायद, मुझे है ना भैया वाले मछली पकड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, पानी की लहरें देखो आप। तो दोस्तों अब इन बच्चों की मस्ती देखो, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, गड्ढा बना के।
तो दोस्तों ये जो पल है वो हमारे लिए काफ़ी यादगार रहेगा। तो आज हम लोग वैदू देख सकते हैं, वैदू कितना खुश है समुंदर के किनारे आके, और उसकी मुस्कुराहट आप उसके फेस पर देख सकते हैं। और आज हम उसको ज़्यादा नज़दीक पे नहीं ले गए पानी के, थोड़ा सा दूर पे ही हमने फ़ोटो क्लिक करी है। और वैदू को ना समुंदर दिखाने के लिए हमने वैदू को समुंदर के किनारे ही सुला दिया। मैंने कहा थोड़ी, अब मेरा एक दुपट्टा था तो मैंने उसे दुपट्टा बिछाया, दुपट्टे के ऊपर ही मैंने उसे सुला दिया। और काफ़ी खुश है, आप उस देख सकते हैं उसके फेस पे, अब वो सो के भी वहाँ पर खुश है। तो दोस्तों अभी हम लोग यार्डा बीच से निकल रहे हैं, और आप देख सकते हैं रोड के लेफ्ट साइड और राइट साइड नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं। वैसे तो समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे ये नारियल लगे हुए हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं आप देख सकते हैं। और कितनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है ना, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, बादल लगे हुए हैं। तो टाइम से हम घर पहुँच जाए तो बढ़िया ही है, और अभी मौसम भी घना घोर बना हुआ है। आप ये बस के वजह से देखो अब जाम लगेगा, जाएंगे बाइक तो चली जाएगी लेकिन फोर व्हीलर कैसे जाएगी, हम तो चल निकल गए लेकिन फोर व्हीलर फंस गई ना। वैसे इस जो जगह है, इस जगह का नाम क्या होगा वैसे, यार्डा कॉलोनी, यार्डा तो बीच हो गया ना, कुछ नाम होगा ना यहाँ का भी। तो यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की भी है, होटल भी है, होटल में भी वही बन रहा हो डॉल्फिन हिल। और बीच बीच में ना इतने ऊंचे ऊंचे स्पीड पे कर रहे, देखो ये वैदू भी सो गया, ये वैदू, वैदू को तो गाने में नींद आ जाती है, ये देखो। तो दोस्तों वो है यार्डा बीच, और यहाँ पे कुछ घर भी हैं, शायद ये कुछ कॉलोनी टाइप की बनी हुई है। और ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, सारे यार्डा बीच के साइड साइड पर पूरे नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, और ये ना चढ़ाई है ना, सारा पेट्रोल तो यही खा देंगे चढ़ाई। देखो इतनी चढ़ाई है ना, बहुत ज़्यादा, बाप रे। यार्डा बीच से हम चढ़ाई ही चढ़ते आ रहे हैं तब से, ये चढ़ाई को देख के मुझे अपने पहाड़ों की याद आ गई यार। हम पहाड़ों में तो पैदल यात्रा करते हैं, चढ़ाई में ना यहाँ रोड में, रोड की भी चढ़ाई है देखो, इतनी ऊँची क्यों नहीं होगी।